हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं, अपने कंटेंट के बारे में बात करते हैं। ये आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट देगा। डेफिनेटली आपको इससे अपने एग्जाम परस्पेक्टिव से भी बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि ये आपके मेन्स आंसर राइटिंग में बहुत ही यूजफुल रहता है। और आपको अगर PDF चाहिए तो आपको द हिंदू इन करके नाम टेलीग्राम चैनल है, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगी। द हिंदू इन के नाम से चैनल है, द हिंदू इन, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर की PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्टिकल की, इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग सिटी। लिविंग मतलब जो ब्रेथ ले रही, मतलब अभी जो जिंदा है। फाउंड इन वार्डनगर, मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडी। तो लिविंग सिटी मिली हुई है, जो अभी बची हुई है, मतलब अभी जिंदा है ये। इंडिया ओल्डेस्ट लिविंग सिटी फाउंड इन वार्डनगर, मल्टी इंस्टीट्यूशन स्टडी कर रहे हैं। द फाइंडिंग्स हैव बीन जस्ट पब्लिश इन एल्सवियर जर्नल क्वार्टनरी साइंस रिव्यू। जो क्वार्टनरी साइंस, उसका मतलब जो है क्वार्टर क्या होता है, 1/4 होता है, मतलब साल का 1/4 कितना होगा, तीसरा महीने, हर तीसरे महीने में ये छपती है। उसने एल्सवियर जर्नल एक डॉक्यूमेंट है, उसमें भी बताया, साइंस का जर्नल है वो। तो यहाँ पे बात की है एक सिटी के बारे में। द स्टडी आल्सो इंडिकेट द राइज एंड फॉल ऑफ डिफरेंट किंगडम्स ड्यूरिंग द 3000 ईयर पीरियड। जो 3000 साल पहले की बात है, तो जो ये हम BC बिफोर क्राइस्ट, 3000 साल पहले, मतलब ये ऐसा यहाँ पे हुआ है 3000 साल पहले। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो भी कंटेंट दिया मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे देखते हैं यहाँ पे, द रिसेंट स्टडी कंडक्टेड बाई दी 5 प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन, 5 प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन ने स्टडी की है, हैज सेड लाइट। सेड लाइट मतलब लाइट डालना, प्रकाश डालना ऑन द कल्चरल कंटिन्यूटी। कल्चरल कंटिन्यूटी चल रही है, क्योंकि बीच इन वार्डनगर एरिया में, गुजरात में। चैलेंजिंग द प्रीवेलिंग नोशन, जो प्रीवेल कर रहा था, जो प्रचलित था, प्रीवेल होता प्रचलित रहना या फैशन में रहना। प्रचलित होना क्या था, नोशन एक धारणा, और फिर डार्क एज, जो डार्क एज बताते हैं, फॉलोइंग दी कोलैप्स हो जाता, विद ध्वस्त हो जाना, बिल्कुल टूट फूट जाना, और ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद डार्क एज बताते हैं। आपको पता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन, पहले थोड़ी सी मैं नॉलेज दे देता हूँ आपको। हरप्पन सिविलाइजेशन 1300 से लेके 1300 BC बिफोर क्राइस्ट ईरा, मतलब जो जीसस क्राइस्ट का जन्म मानते हैं उससे पहले की बात है ये, 3300 से 1300 के बीच में BC में मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर वेदिक एज उसके बाद में मानते हैं, जो 1500 से लेके 500 BC तक, जिसमें अगर पहले की बात करें तो 1500 से 1000 BC जो अर्ली वैदिक पीरियड है, और बाद में लेटर वैदिक पीरियड है जो कि 1000 के बाद है। महाजनपद का टाइम क्या होता था, महाजनपद जब बने थे 600 से 400 BC ये उसके बाद आए हैं, जिसमें आपने सुना होगा कि ये ईस्टर्न UP और वेस्टर्न बिहार के आसपास एरिया था। जो जनसंघ क्या होता है, गवर्नमेंट बाय असेंबली विद इन दी असेंबली ओलिगार्की, मतलब जो असेंबली एक ग्रुप है, सभा है, बोलते हैं सभा समिति, आपने सुना होगा हिस्ट्री पढ़िए तो, उसमें जनसंघ बोलते थे, जनसंघों ने अपना वहां पे राज किया। और ओलिगार्की किसके, विद इन दी असेंबली ओलिगार्की थी, कुछ एक स्पेशल ग्रुप था वही राज करता था, ओलिगार्की बोलते हैं उसको। एंड डार्क एज के जैसे, वैसे तो डार्क एज जो बताई गई है कि भाई जब इंडस वैली सिविलाइजेशन 1300 BC के पास ध्वस्त हो गई थी, तो उसको डार्क एज बोला गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डार्क एज, मतलब जिसका कोई, मतलब मिडिवल पीरियड भी बोलते हैं, जिसका कोई हमें एविडेंस नहीं मिले हैं, बट डार्क एज का जो टर्म है फेमस की गई थी, इटली के फिलोसफर थे, उसने पेटार्क नाम था, उसने फेमस की थी डार्क एज का नाम, जो बोलते हैं मिडिल पीरियड को, आफ्टर कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर के बारे में बात की थी। और रेनेसा वैसे तो हम 13th century से ही बात करते हैं, बट ये फेमस हुई थी 18th century में, रेनेसा वर्ड जो फेमस हुआ था। हालांकि 13th century जब 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में आया था, उससे पहले रेनेसा बताते हैं, यूरोप में रेनेसा हो गई थी, जो इटली से रोम, जो इटली से यहाँ वेनिस वगैरह सिटी, जो सिटी स्टेट बनने लगे थे, उस टाइम की बात कर रही है। तो ये आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की मैंने नॉलेज दे दी है। अब चलते हैं, तो डार्क एज जो बता दिया मैंने इसको आपको, डार्क एज फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, द फाइंडिंग्स जो फाइंडिंग आई है, सजेस्ट दैट देयर वाज ए ऑनगोइंग ह्यूमन सेटलमेंट। द फाइंडिंग्स जो भी अभी रिजल्ट मिले, फाइंडिंग्स मिली, जगह मिली, सजेस्ट करते हैं दैट देयर वाज एन ऑनगोइंग ह्यूमन सेटलमेंट। ऑनगोइंग मतलब चल रही थी उस टाइम पे,
वुमन सेटलमेंट आदमी निवास स्थान इन द रीजन डेटिंग बैक टू द 800 BC 800 BC से पहले भी बिफोर क्राइस्ट इरा से भी पहले 800 साल पहले भी कुछ रह रहे थे यहाँ पे आदमी ड्यूरिंग द लेट वैदिक पीरियड लेट वैदिक जो 600 मानते हैं लेटर वैदिक पीरियड प्री बुद्धिस्ट महाजनपद मतलब बुद्धिस्ट महाजनपद है जो 600 से इधर बताई थी मैंने उससे पहले की टाइम पे भी यहाँ पे आदमी थे और ओलिगार्की रिपब्लिक्स जो बोलते हैं भाई असेंबली वहाँ पे राज करती थी जो महाजनपद के टाइम पे तो उससे पहले के बीच में भी गैप में आदमी यहाँ पे रहे हैं वाडनगर में। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स हाईलाइट बाय द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पहलू जो हाईलाइट करता है बाय द स्टडी इन द स्टडी के द्वारा इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस क्लाइमेट चेंज हुए ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ डिफरेंट किंगडम्स इन द एरिया ओवर 3000 ईयर पीरियड तो 3000 ईयर पीरियड में ये जो है ये हुआ था राइज एंड फॉल हुआ था क्लाइमेट चेंज की वजह से। द रिसर्चर्स हैव फाउंड एविडेंस सजेस्टिंग दैट रेनफॉल और एंड ड्रोट्स प्लेड ए क्रूशियल रोल तो ये रेनफॉल हुआ या तो बारिश हुई या फिर सूखा पड़ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग द फेट ऑफ दिस किंगडम इन किंगडम्स का जो किस्मत फेट किस्मत भाग्य लक्ष्य। द इनसाइट प्रोवाइड्स जो इनसाइट्स दी है जो एक अंदर की मतलब नॉलेज दी है प्रोवाइड करती है एक न्यू पर्सपेक्टिव नया पहलू प्रदान करती है ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डायनेमिक्स ऑफ द रीजन ये प्रोवाइड करता है एक न्यू पर्सपेक्टिव नया पहलू ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट जो हिस्ट्री में इवेंट हुए हैं एंड डायनेमिक्स ऑफ द रीजन या डायनेमिक्स क्या होता है जो कीप ऑन चेंजिंग डायनेमिक का मतलब होता है जो कीप ऑन चेंजिंग चेंजिंग रहता है। स्पोकन इंग्लिश में कैसे वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे इनसाइट्स लाइक मान लो कोई आपको नॉलेज देता है कह सकते हैं थैंक यू बारी दिस इज वेरी इंसाइटफुल फॉर मी मतलब इसने मेरी जो ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं इनसाइट जो अच्छी ज्ञान बढ़ा देता है ऐसी वर्ड का यूज करके फेट दिस इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फेट मतलब अगर कोई फेलियर हो जाता है तो कह सकते हैं आप उसको दिस इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फेट आपका ये लक डिसाइड करने वाला नहीं है तो ऐसे ही अपने कन्वर्सेशन को सुधार सकते हैं। द एग्जीक्यूशन एक्सक्यूवेशन एक्सक्यूवेशन होता है खुदाई एक्सक्यूवेशन एट वडनगर लेड बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड फंडेड बाय द यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ESI के अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको मतलब स्टार्ट किया था ESI को और आपको कमेंट सेक्शन में डालना है कि किस ईयर में किया था। डायरेक्टोरेट डायरेक्टोरेट होता है निदेशालय जो इसको निर्देश देता है इसका डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज अनकवर्ड 7 डिस्ट्रिक्ट कल्चरल स्टेजेस उसने बताया कि 7 डिस्ट्रिक्ट में कल्चरल स्टेजेस में बताया गया अनकवर्ड कर दिया उन्होंने अनवील इसका भी सिनोनिम्स हो सकता है। दी स्टेजेस इंक्लूड द मौर्यन पीरियड के टाइम की बात कर रही है इंडो ग्रीक जो सीथियन या इंडो ग्रीक या इंडो सीथियन पीरियड जिसमें साकाज वगैरह आते थे साका बोलते थे इनको इंडो सीथियन भी बोलते थे या इंडो ग्रीक जो है मियांडर वगैरह थे और यहाँ पे जो कनिष्क थे तो ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इंडो सीथियन कनिष्क वगैरह इंडो ग्रीक हैं जो मियांडर वगैरह थे। सो एक शोकेसिंग ये दिखा रहे हैं इन रिच हिस्टोरिकल टेपस्ट्री टेपस्ट्री होता है कि एक मतलब कपड़े पे अगर अलग अलग पिक्चर हम बना देना तो उसको टेपस्ट्री बोलते हैं टेपस्ट्री तो ये रिच हिस्टोरिकल टेपस्ट्री एक मतलब एक आपको स्ट्रक्चर दे देगा ऑफ द रीजन कि यहाँ पे इंडो सीथियन रहे थे मौर्यन रहे थे इंडो ग्रीक रहे थे। द प्रेजेंस ऑफ द मल्टीपल कल्चरल स्टेजेस बहुत सारे मल्टीपल अलग अलग तरह के कल्चरल यहाँ पे स्टेजेस रहे इंडिकेट करते हैं मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस सेटलमेंट इन वडनगर। द स्टडी रिवील स्टडी दिखाती है दैट वडनगर वाज होम टू डाइवर्स कम्युनिटी वडनगर क्या था होम टू डाइवर्स कम्युनिटीज इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट हिंदू जैन एंड इस्लामिक पॉपुलेशन स्टडी रिवील करती है वडनगर होम था बहुत सारे डाइवर्स कम्युनिटीज का इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट हिंदू जैन इस्लामिक पॉपुलेशन दिस मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट्स एड करता अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू द हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ द रीजन मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट जो पहलू है ऐड करता अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एक अलग लेयर बना देता है जटिलताओं की कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम की जटिलताओं की टू द हिस्टोरिकल नैरेटिव जो नैरेटिव क्या होता है एक मतलब नोशन बना होता है धारा जो नैरेटिव पीछे बनी रहती है ऑफ द रीजन एक धारणा बनी रहती है हाईलाइटिंग करता है कोएग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप्स द रिसर्चर्स प्रोजेक्ट हैव बीन जनरली फंडेड बाय द सुधा मूर्ति जो रिसर्च प्रोजेक्ट था हैज बीन जनरली मतलब उदारता में जनरसली उदारता कह सकते हैं ना सी इज वेरी जनरस लेडी बहुत ही उदार लेडी है वो रिसर्च जो प्रोजेक्ट हैज बीन जनरली फंडेड हैज बीन फंडेड मतलब देखो पैसिव फॉर्म हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द सुधा मूर्ति के द्वारा क्या फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन ये चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन के फॉर द फास्ट 5 ईयर पिछले 5 साल में हर स्पोर्ट हैज इनेबल्ड द रिसर्चर्स टू कंडक्ट एक्सटेंसिव एक्सक्यूवेशन उसने रुपए वगैरह फंडिंग की है तो इनेबल कर दिया मतलब उसको समर्थ बना दिया इनेबल्ड का मतलब समर्थ बना देना जैसे आप कह सकते हैं इसको कन्वर्सेशन में
दिस वीडियो इज गोइंग टू इनेबल यू इक्विप विद लॉट ऑफ नॉलेज, तो आपको इक्विप कर देगी, ये इनेबल कर देगी, काबिल बना देगी आपको नॉलेज रखने के लिए. द स्पोर्ट हैज द रिसर्चर्स टू कंडक्ट को एग्जिस्टिव एक्सटेंसिव कंडक्ट एक्सटेंसिव पूरे व्यापक रूप से कंप्रेंसिव भी बोल सकते हैं, एक्सकवेशन खुदाई करेंगे कर रही है एंड एनालिसिस करेंगे, विवेचन करेंगे लीडिंग टू दिस ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग्स. ग्राउंड ब्रेकिंग है बिल्कुल, पाथ ब्रेकिंग या वाटर शेड मोमेंट भी बोलते हैं इसको सिनोनिम्स की, मतलब एक अलग मोड लेके आ जाएगा ये. एंड सुधा मूर्ति कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी अंडरस्कोर्स, ये अंडरस्कोर करता है, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वैसे ही अंडरस्कोर एम्फेसाइज देता, जोर देता है द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइवेट फंडिंग इन एडवांसिंग आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग अवर शेयर्ड कल्चर हेरिटेज. हम जो शेयर्ड कल्चर, मतलब कि सभी कल्चर मिक्स होकर ऐसे ऐसे शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज की बता सकते हैं जो सबने शेयर किया है. ओवरऑल द स्टडी नॉट ओनली चैलेंज करती है एग्जिस्टिंग नोशन ऑफ ए डार्क एज बट ऑल्सो प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इन टू द कल्चरल रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल डायनेमिक्स ऑफ द वडनगर गुजरात. यहाँ पे कौन कौन से कल्चर के आदमी रहे हैं, रिलीजियस कैसे रहे हैं, हिस्टोरिकल डायनेमिक्स क्या रही हैं, चेंज कैसे हुआ है. द एविडेंस ऑफ द कल्चरल कंटिन्यूटी, जो हमें सबूत मिले हैं, साक्ष्य हैं कल्चरल कंटिन्यूटी, मतलब डार्क एज नहीं आई थी ऐसी लेटर वैदिक पीरियड के बाद, मतलब पहले या बाद में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी यहाँ पे आदमी रहे थे वडनगर गुजरात में. द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जैसे क्लाइमेट चेंज होने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, या मल्टी कल्चरल नेचर ऑफ द सेटलमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू मोर कॉम्प्रेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजियस रीजन पास्ट, इस एरिए के पास्ट के बारे में स्टडी से पता चलता है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करती है. आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर दीजिए. तब तक हम इनको एक्सक्वेशन नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा कि क्या क्या है, और यही हमारी हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है. आज के लिए इतना ही, और अगर आप ये जो PDF लेना चाहते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की, आपको बहुत सारी मतलब न्यूज़पेपर की मिल जाएगी, द हिंदू इन करके एक टेलीग्राम चैनल है. आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू वेरी मच.